देव के कॉलेज की छुट्टी होती है, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड तारा, जो कि उसी के साथ कॉलेज पढ़ा करती थी, उसके साथ घर आ रहा होता है। तभी तारा बोलती है, देव जानू भूख लगी है बहुत। क्या खाना है मेरी जान को? मुझे मोमोज खाने। चलो फिर देर किस बात की, आओ चलें। इतना कहकर देव तारा को अपनी बाइक पर बिठाकर कॉलेज से कुछ दूर रामू मोमोज वाले की दुकान पर लेके जाता है। रामू के मोमोज में स्वाद तो भरपूर था, पर वह बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह ग्राहकों के पहनावे और पैसे को देखकर ज्यादा से ज्यादा पैसे लूटने की ताक में रहता था। दुकान पर पहुंचकर तारा कहती है, जान जल्दी से एक प्लेट पनीर मोमोज ले लो प्लीज। ओके मेरी जान, अभी लाता हूँ। अंकल पनीर मोमोज कितने के हैं? ये आज के प्रेमी जोड़े पता नहीं क्या तोता मैना बने रहते हैं। इस लड़के को महंगे ही बताता हूँ, वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए तो 1000 रुपए प्लेट भी ले लेगा। अरे अंकल कुछ बोलो। 250 की प्लेट है। क्या इतनी महंगी? अरे बेटा स्वाद भी तो बहुत अच्छा है, एक बार गर्लफ्रेंड को खिला, देखना प्रेम की वर्षा हो जाएगी। क्या बात है अंकल, आप मोमोज वाले के साथ साथ लव गुरु भी निकले। जल्दी से 2 प्लेट मोमोज दे दो। देव की बात सुनकर रामू 40 रुपए की मोमोज की प्लेट 250 रुपए में देव को देता है, और देव और तारा जल्दी से मोमोज खाने लगते हैं। तारा को लालची रामू के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, और वो 2-4 प्लेट मोमोज खा जाती है। और रामू लंबा चौड़ा बिल देव को देते हुए बोलता है, देखना बेटा अब कैसे तुम पर प्रेम वर्षा होती है। फिलहाल तो मेरी जेब पर कंगाली की वर्षा हो रही है, मोमोज के चक्कर में सारी सेविंग भी गई। अरे कोई नहीं बेटा, प्यार में क्या पैसा, जाओ जाओ मजे करो। रामू को बिल देकर देव और तारा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, और गुजरते वक्त के साथ रामू का लालच भी बढ़ता जाता है, क्योंकि रामू के हाथ के मोमोज सबको बहुत पसंद थे, इसलिए उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना भी कम नहीं होता था। फिर चाहे वो 100 की चीज 200 में बेचे या 600 में, दुकान पर तो ग्राहक आने ही है। ऐसे ही एक दिन एक गरीब फटेहाल औरत हाथ जोड़े भीख मांगते हुए रामू की दुकान के बाहर खड़ी हुई बोलती है, अरे साहब थोड़ा सा खाना दे दो, बड़े दिन हो गए पेट भर के खाना नहीं खाया है, कुछ खिला दो, भगवान आपका बहुत भला करेगा। हाँ हाँ तेरा तो मेरे घर के राशन कार्ड में नाम है ना, आई बड़ी राशन दे दो, खाना खिला दो, चल दफाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह उठकर। अरे काम धंधा नहीं है क्या? अरे साहब थोड़ा सा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए का खाना खिला दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ये 10 रुपए भी मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, तेरी तरह मांग मांग के नहीं लाता कहीं से, समझ गई? दिन रात पसीना बहाकर मोमोज की दुकान चला रहा हूँ। रामू की बातें सुनकर वह औरत वहाँ से जाने लगती। तभी रामू के दिमाग में एक विचार आता है, और वह उस औरत को आवाज देकर रोक लेता है और बोलता है, सुन सुन मेरी दुकान पर काम करेगी तो मैं तुझे 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे दे दिया करूँगा, बोल सौदा मंजूर है? ठीक है साहब, जैसा आप कहें, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना सोचकर रामू मन ही मन खुश हो जाता है, और उस औरत को काम पर रख लेता है। दिन गुजरते जाते हैं, रामू उस औरत से सारा सारा दिन गधों की तरह काम करवाता, और बदले में उस बेचारी को 2 दिन का बासी खाना या फिर कभी खाना ही नहीं देता, और तनख्वाह के नाम पर उसे कभी 10-20 रुपए से ज्यादा पैसे भी नहीं देता। वह औरत रामू की सारी चालाकी समझ गई थी, साथ ही उसे पता चल गया था कि रामू कितना लालची इंसान है, और वह किस तरह लोगों से पैसे ठग रहा है। ऐसे ही एक दिन रामू की दुकान पर देव फिर से आता है, और वहाँ रामू नहीं होता। तभी उसकी मुलाकात उस औरत से होती है, जिसे देख देव बोलता है, अरे वह रामू भैया कहाँ चले गए जिनकी दुकान है, मुझे उनके हाथों के बने हुए मोमोज चाहिए थे। बेटा वो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम मुझे बता दो कौन से मोमोज चाहिए, मैं दे देती हूँ। मुझे कुरकुरे मोमोज चाहिए 2 प्लेट। हाँ बेटा अभी देती हूँ। लीजिए 500 रुपए रख लीजिए, पहले सिर्फ 1 प्लेट दीजिए। 500? ये किस लिए बेटा, ये तो बस 200 रुपए के ही है। अरे नहीं नहीं आपको धोखा हुआ है, मैं हमेशा 500 के ही लेके जाता हूँ, इतने ही पैसे लेते हैं राम अंकल हमेशा। अरे नहीं बेटा वो एक लालची आदमी है,
अपने लालच के कारण वह सबसे ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि उसके मोमोज का स्वाद लोगों को बहुत पसंद है और वह इसी स्वाद का गलत फायदा ले रहा है। क्या आप सच कह रही हैं? इसका मतलब आज तक उन्होंने मुझे बेमतलब के इतने सारे पैसे लिए हैं। कितना लालची मोमोज वाला है। और आप यहाँ कैसे? आप क्या उनके पास नौकरी करती हैं क्या? देव की बात सुनकर वह औरत उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर देव को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही उसे उस औरत के लिए दुख भी होता है, जिस पर देव बोलता है, देखिए आंटी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, और हाँ, हम दोनों मिलकर ना इस रामू अंकल को, यानी कि लालची मोमोज वाले को सबक सिखाएंगे, देखना। और आप चिंता मत करो, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना, अब उससे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपकी मदद करूँगा। बस मैं जैसा जैसा कहता हूँ अब वैसा वैसा करती जाना, ठीक है? इतना कहकर देव और औरत मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद देव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह औरत जब मोमोज बना रही होती है, तो वह उसमें मिलावट कर देती है, जिस वजह से स्वाद खराब हो जाता है। जैसे ही ग्राहक मोमोज लेने आते, तो आधे मोमोज खाकर वही डस्टबिन में फेंक देते और साथ ही रामू को खरी खोटी सुना कर जाते। ये सब देख कर रामू को गुस्सा आ जाता है और वह खुद एक मोमोज चक कर गुस्से से भड़कते हुए उस औरत को बोलता है, अरे पागल औरत, ये क्या किया तूने? इन मोमोज का स्वाद इतना खट्टा और गंदा क्यों है? अरे मैं भी कहूँ कि आज मेरे ग्राहक वापस क्यों जा रहे हैं? मेरा धंधा चौपट करवाना चाहती है क्या? रुक, तेरी तो मैं अभी खबर लेता हूँ, मुझसे चलाकी करेगी, आज तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर रामू जैसे ही उस औरत पर हाथ उठाने लगता है, तभी देव वहाँ पुलिस के साथ आ जाता है और बोलता है, देखो इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये रामू बहुत ही घटिया और लालची इंसान है, और हाँ, यही है वह औरत जिसको अपने फायदे के लिए पहले रामू ने जी भर के काम करवाया और बदले में बेचारी को बासी रोटियां देता रहा, और आज तो देखो इस पर हाथ भी उठा रहा है। आप अभी के अभी इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यह सब क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये औरत मुझे ही मार रही थी, मेरी दुकान के पैसे चोरी करके भाग रही थी, वो तो मैंने अपने बचाव के लिए इसको मारा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब बिना किसी देरी के रामू को हथकड़ी लगा कर उसे जेल ले जाते हैं। साथ ही उसने जो लालच करके पैसा जमा किया था, वह सारा पैसा इंस्पेक्टर साहब उस औरत को दे देते हैं, जिसके बाद औरत रामू की दुकान को नए सिरे से शुरू करती है और खुद मोमोज बनाकर बेचने लगती है, वो भी सस्ते और अच्छे दाम पर। औरत के हाथों के मोमोज सबको बहुत पसंद आते हैं। तो देखा हमारे प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला है। रामू गया जेल में और औरत के अच्छे दिन आ गए। इसीलिए कहते हैं, लालच करना है तो किसी अच्छी चीज का करो, बुरी चीज का लालच करोगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा।